केंद्र शासनाच्या दरवाढी निषेधार्थ मूल तालुका काँग्रेस, शहर काँग्रेस, किसान काँग्रेस, युवक काँग्रेसतर्फे मूलच्या सावरकर पेट्रोल पंपवर जाऊन नारेबाजी करीत मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार हाय हाय अशा घोषणा देत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संतोष सिंह रावत यांच्या नेतृत्वात मोदी सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. एकीकडे कोरोना महामारीच्या काळात संचारबंदी लॉकडाऊनमुळे देशातील नागरिकांचे व्यापार रोजगार बुडाले. सर्वसामान्य जनतेला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण होत आहे. मोदी सरकारने पेट्रोल 100 रुपयापार नेले तर डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ केली आहे. खतांचे भाव वाढ केली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होत असून शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. डिमांड भरला असूनही शेतकऱ्यांना वीज दिल्या जात नाही. पंतप्रधान मोदी दानशूर झाले असून ते नेपाळ, पाकिस्तान, भूतान या देशात वॅक्सिन्स पुरवित आहे. मात्र 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना वॅक्सिनसाठी दारोदार फिरावे लागत आहे. गुजरातला वॅक्सिन दिल्या जाते, मात्र महाराष्ट्राला वॅक्सिन दिल्या जात नसून मोदी सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संतोष सिंह रावत यांनी केला. यावेळी चंद्रपूर बाजार समिती सभापती दिनेश चोखारे, मूल तालुका काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष घनश्याम येनूरकर, गांधी निराधार अध्यक्ष राकेश रत्नावार, बाजार समिती मूलचे उपसभापती संदीप कारंबार, शहर अध्यक्ष सुनील शेरकी, महिला अध्यक्ष रुपाली संतोषवार यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या विरोधात पेट्रोल डिझेलच्या विरोधात निषेध व्यक्त करण्यात आला. काँग्रेसतर्फे मोठ्या प्रमाणात निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. इथं संतोष सिंह रावत आज 7 तारीख को हमारे मूल शहर में हमारे आदरणीय नेते श्री नाना भाऊ पटोड़े प्रदेश अध्यक्ष ने फतवा जारी किया था कि आज के दिन पे दिन जो केंद्र सरकार के निर्देश में महंगाई बढ़ते जा रही है और महंगाई के कारण हर बेरोजगार, हर गरीब आदमी लंबा होते जा रहा है. इधर तो मोदी की महंगाई की मार है, ऊपर से कोरोना की मार है, चारों तरफ से आदमी लत होते गया है. उसके बाद आज के दिन जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े जा रहे हैं, आदरणीय मनमोहन सिंह के ज़माने में कच्चे तेल के रेट 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए थे तो भी डीजल पेट्रोल के भाव वही थे. पर आज ये ज़माने में जो एक्साइज ड्यूटी लगती जा रही है, इनकम ड्यूटी जो लगाते जा रहे हैं, उससे डीजल के भाव पेट्रोल के भाव 104 रुपये है और डीजल के भाव 99 रुपये है. इस प्रकार आदमी लस्त होते जा रहा है. कोरोना की तो मार है ही, और महंगाई के मार सबसे ज़्यादा लंबी मार किसानों पर पड़ रही है. किसानों को आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहे हैं. उनको एक तो पूरा माफ दिया नहीं जा रहा है, इधर खत के भाव कम किए नहीं जा रहे हैं. व्यापारी लोगों ने पुराना साटा करके रखा है और केंद्र वहाँ से बैठे बैठे हुक्म जारी करती है कि नए रेट से खत दो. अगर नए रेट से खत दिया तो उनने पुराने जो रेट से खत लिया है वो खत की मार किसानों पे भरमार पड़ रही है. उसके बाद डीजल के भाव बढ़ने के कारण एक तो लोगों को सौर ऊर्जा का लाभ नहीं मिल रहा है किसानों को. उसके बाद कई सालों से लोगों ने डिमांड भर के रखी है, लेकिन डिमांड भरने के बाद भी आज निजी किसानों को नहीं मिली है. इस हालत में डीजल के भाव बढ़ चुके हैं तो आदमी ने जाना तो जहाँ, करना तो क्या करना. और ये सरकार के भरोसे, केंद्र सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं लोग कि कुछ तो होगा. आज वैक्सीन भी लोगों को नहीं मिल रही है. हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी ने पहले दानशूर बन गए, नेपाल को वैक्सीन दे दिए, पाकिस्तान को वैक्सीन दे दिए, भूटान को वैक्सीन दे दिए. पर आज जब हम लोग को दर दर भटकना पड़ रहा है, 18 साल से 45 साल के जो हमारे बच्चे हैं उनको आज वैक्सीन नहीं मिल रही है. घोषणा होती है, वैक्सीन नहीं मिलती है. उधर गुजरात वैक्सीन जाती है, महाराष्ट्र में वैक्सीन आती नहीं है. महाराष्ट्र पे हर तरह से अन्याय किया जा रहा है. इसलिए मैं मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ आज के निर्देशन के से कि मोदी जी अब तो तुम शर्म करो, डीजल के भाव कम करो. अब तो तुम शर्म करो, डीजल के भाव कम करो. असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संतोष सिंह रावत इथं व्यक्त केले आहे. कॅमेरा निरीक्षक नेमित्र सर टीव्ही मूल. मोदी सरकारने सर्व गरीब जनतेला 100 रुपयामध्ये गॅस वाटली. आज त्या 100 रुपयाची किंमत 900 रुपये आज सिलेंडर भाव वाढला आहे. हे भाव कमी झालं पाहिजे. वाढताना 100 रुपये आणि आज घेताना 900 रुपये कुठून देणार गरीब? आणि या जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे. संपूर्ण देशात ज्या पद्धतीने मोदी सरकार आलं होतं 7 वर्षापहिले, जे 7 वर्ष झालेले आहेत त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढलेली आहे. डिझेल, पेट्रोल, गॅस
आणि सामान्यतः कमरनं मोडण्याचं काम केंद्र सरकार करत आहे.